हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Good morning friends, you are heartily welcome to our YouTube channel Om Shanti School. Myself Monica Chaudhary. Today we are going to read subject science chapter 2 for 10th standard. Okay. In the first videos we have already discussed about acid base and salt. हम लोग पढ़ चुके थे बाई प्रैक्टिकल व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके थे। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर अवर टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, है ना। तो देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि जब एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन होती तो क्या होता। एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल दें और इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द 2 मार्क्स। ओके, तो क्या होता, व्हेन एसिड रिएक्ट टू बेस, जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता, सॉल्ट एंड वाटर बनता वहां से। इट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसिड प्लस बेस क्या हमारा बन रहा है, इधर प्रोडक्ट क्या बनते हैं हमारे, सॉल्ट एंड वाटर, यानी सॉल्ट और वाटर वहां से प्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, यानी कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता इट फॉर्म टू NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, इट इज द कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक जो हम अपने खाने में यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट। एंड वाटर क्या बना, वाटर, है ना। इट इज नोन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2 मार्क्स। ओके, ये इतना भी आ सकता आपको कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू कैन सी द इमेज ऑफ द इन दिस स्क्रीन ऑल्सो, यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, जब एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन होती तो व्हाट हैपन, क्या होता, है ना। यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड, कोई भी एसिड हो किसी मेटल के साथ रिएक्ट होता तो क्या बनता। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म टू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट होता ना या रिएक्शन करता तो वहां से क्या बनता, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि देखो, मेटल प्लस एसिड एरो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, मैग्नीशियम Mg, Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या, इट इज द मेटल, मैग्नीशियम प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस क्या प्रोड्यूस हो रहा, हाइड्रोजन गैस। यानी कि क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड इट इज द वन टाइप्स ऑफ सॉल्ट, मैग्नीशियम का सॉल्ट है ये, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर दैट रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स, जब किसी एसिड की उसके कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स, किसी भी कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होती तो क्या प्रोड्यूस होता। व्हेन एसिड रिएक्ट विद इट्स कार्बोनेट इट फॉर्म टू सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जब किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट के साथ होती तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता, सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर प्रोड्यूस होता, यानी कि एसिड प्लस कार्बोनेट। कोई भी कार्बोनेट ले सकते हैं हम, यहाँ यू कैन चूज एनी कार्बोनेट और मेटल। तो टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विथ एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2HCl, टू मॉलिक्यूल्स लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। किसका कार्बोनेट लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट, टू प्रोड्यूस CaCl2, है ना, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेस प्रोड्यूस हुई और नेक्स्ट क्या निकला हमारे यहाँ से? वाटर। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस एंड ऑन द स्क्रीन, योर स्किन स्किन पर इसकी हम एक पिक्चर भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अवर फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है इस एसिड की, फिफ्थ प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाई कार्बोनेट। यानी कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज होगी लगभग सेम होती हैं, लेकिन हम कभी कभी आते हैं, यू हैव टू राइट 5 points, देन वी कवर इन दिस पॉइंट इन योर नोटबुक ऑल्सो, इन योर एग्जाम ऑल्सो। यानी कि जब हम लिखने को आते हैं कि आपको 5 points लिखने, तो आप इस पॉइंट्स को भी यहाँ कवर कर सकते हो। वट इज अवर फिफ्थ पॉइंट? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाई कार्बोनेट। जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के बाई कार्बोनेट के साथ होती, तो वाट विल हैपन, क्या होता, देख लेते हैं। When acid react with metal bicarbonate, it produce या it form metal salt, यानी कि उस metal का salt बनता and carbon dioxide produce होती और water produce होता। यहाँ पर थोड़ा सा confusion है बस, यहाँ salt बन रहा और यहाँ पर जो हम metal ले रहे हैं उस metal का ही salt बनेगा यहाँ product के रूप में, metal का salt, और क्या produce होगा? Carbon dioxide and water, है ना। तो example अगर हम देखें इसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3 टू प्रोड्यूस NaCl। व्हाट इज NaCl? NaCl इज द कॉमन सॉल्ट, है ना, कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक, वी कैन यूज इन द डेली टू डेली लाइफ इन अवर फूड ऑल्सो। एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन द योर स्क्रीन ऑल्सो, आप स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हो। तो हमने क्या किया, एसिड की फिफ्थ प्रॉपर्टीज यहाँ कवर की। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो दिस। थैंक यू।